हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, यदि आप 1 जुलाई को छुट्टी लेते हैं तो आपकी पेमेंट जरूर से जरूर कटेगी, ऐसा हमारे रेलवे के रूल्स में लिखा हुआ है। यह केंद्रीय कर्मचारियों की जो सर्विस रूल है उसमें भी लिखा हुआ है। और यह पेमेंट क्यों काटी जाती है इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो यदि आप 1 तारीख को छुट्टी लेते हैं तो जरूर सावधान हो जाए, कोशिश करें कि छुट्टी ना लें। इसमें होता क्या है कि जिन कर्मचारियों का इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है, जैसा कि आपको पता है इंक्रीमेंट अब 2 बार लगने लगे हैं, जिन कर्मचारियों को जुलाई में लगता है और कुछ कर्मचारियों का जनवरी में लगता है। तो जिन लोगों का इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है उनका 1 जुलाई से कोई लेना देना नहीं है, और जिनका 1 जुलाई को लगता है इंक्रीमेंट उनका 1 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। अब जो कर्मचारियों का 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है उनको 1 जुलाई से छुट्टी नहीं लेना चाहिए। यदि आप 1 जुलाई से छुट्टी लेते हैं, यदि आपने 30 तारीख तक यानी कि 30 जून तक आपने ड्यूटी करी, इसके बाद 1 तारीख से लेके आपने 10 तारीख तक या जितनी 15 तारीख तक 8 तारीख तक छुट्टी ले ली, अब जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे आपकी ज्वाइनिंग इस नए इंक्रीमेंट में उसी दिन से मानी जाएगी। तो बाकी जो दिन थे यानी कि एक मान लो उदाहरण के लिए आप 1 से 10 तारीख तक छुट्टी पर थे, तो अब आपका जो 1 से 9 तारीख तक है आपका पुराने वाले इंक्रीमेंट से ही आपकी वेतन बनेगी, और 10 तारीख को यदि आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, 10 तारीख को ड्यूटी करी है 10 जुलाई को, तो आपका 10 से लेके अगले वाले दिन में आपकी जो है जो पेमेंट नए इंक्रीमेंट से लगेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर बार कि आप कोशिश करें 1 जुलाई की छुट्टी ना लें। और यह नियम CL पर लागू नहीं होता है, यदि आप स्पेशल CL या कैजुअल आकस्मिक अवकाश में हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी छुट्टियां होंगी, आप किसी भी प्रकार की छुट्टी लेते हैं उसमें आपकी पेमेंट कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर कटेगी। आपका DA भी कटेगा और आपकी जो बेसिक रहेगी वह भी पुराने वाले जो एग्रीमेंट है जो 1 जुलाई से एक जो जून में चल रहा था उसी से पेमेंट बनाई जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।